अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको फ्लैग्स में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मद असद अंसारी के साथ, जो कि एजाज़ काउंसलर हैं फिनलैंड के, और आज हम उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग अस, हमें टाइम वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पाकिस्तान के एजाज़ काउंसलर फिनलैंड हैं, एज अ ऑनररी काउंसलर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी वही मसरूफियात हैं जो एक सफ़ीर की होती है, और पाकिस्तान और फिनलैंड की ट्रेड को बढ़ाना, दोनों मुल्कों को ताल्लुकात को फ़रोग देना, तो मेरे बेसिकली वही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक सफ़ीर की होती हैं। वैसे तो ये बड़ा अजीब सा ही सवाल लगता है किसी से पूछना कि आप इस अहदे पर क्यों चुने गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऑनररी काउंसलर को चुनना या क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो आप ही को क्यों चुना गया? वाकई मुश्किल सवाल है। एक्चुअली हमारी और फिनलैंड से बहुत पुराना ताल्लुक है, हमने उनके साथ बिजनेस शुरू किया था 1979 से, और उस वक्त भी हम लोग को ये एजाज़ मिला था हमारी फैमिली को कि हम ऑनरी काउंसिल रहे। उसके बाद फिर 2012 में एम्बेसी खुल गई थी 94 में, तो इनके साथ ट्रेड जब हमने शुरू किया, और हमने उस वक्त फिनलैंड को पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमने इतना उनको फिनलैंड को यहाँ पर किया कि एक फिनलैंड एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बन गया पाकिस्तान के लिए, ट्रेड के लिहाज से भी। तो उन्होंने फिर उस वक्त किया, फिर 1994 में एम्बेसी खुल गई थी, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर 2012 में हमारे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और हमारे फिनलैंड में कुछ फाइनेंशियल क्रंच आया था, तो एम्बेसी यहाँ पाकिस्तान में बंद हो गई थी। फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसमें फिर उन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब किया, और ये उनकी मेहरबानी है जी। फिनलैंड ने टेक्नोलॉजी के शोबे में काफ़ी तरक्की की है, फिनलैंड कैसे पाकिस्तान की इस शोबे में मदद कर सकता है? फिनलैंड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड है जी, और नोकिया ऑफ कोर्स इज़ अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड, सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एरियाज इन द वर्ल्ड इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ फिनलैंड विच कैन बी यूज इन पाकिस्तान। सो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जी उसको और बढ़ाएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी आइंदा आने वाले सालों में हमें वो मिलेगा मौका कि हम उसको और मजीद जिसमें इजाफा कर सकें, उसको बढ़ा सकें। फिनलैंड के इन्वेस्टर्स को क्या ऐसा पैगाम होगा जो पाकिस्तान के हवाले से आप देना चाहेंगे? देखिए, एज फार एज पाकिस्तान के वो कंसर्न, आई डोंट थिंक सो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वाइस वर्सा। सो हमने तो बड़ी कोशिश इस वक्त की हुई है जी, 3-4-5 सेक्टर्स हैं जे जो हमने उनको इनवाइट किया हुआ है, जिसमें एनर्जी है, और पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी इस वक्त, वो है वेस्ट एनर्जी की। हमारे पास इतना वेस्टेज है, गारबेज है, और फिनलैंड में जो है वो एनर्जी का एक ऐसा शोबा है जो यहाँ पर आकर जितना भी गारबेज है उसके ऊपर वो एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, जो हमने ऑलरेडी प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी हुई है, इस्लामाबाद CDA को दी हुई है। सो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वी आर ऑल रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट टू इन पाकिस्तान इन द एनर्जी सेक्टर ऑल्सो। जंगलात के रकबे के हवाले से फिनलैंड इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क समझा जाता है, और हमारी हुकूमत क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियस ले रही है। फिनलैंड किस तरह से इस क्लाइमेट चेंज और जंगलात की अफजाइश जैसे चैलेंजेस में पाकिस्तान की मदद कर सकता है? एक मौका आया था कि जब यहाँ पर फॉरेस्ट और ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और सुनामी 1 बिलियन और 10 बिलियन, तो मुझे ये पता चला था, प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने मेंशन भी किया था किसी जगह कि जी फिनलैंड से, तो मुझसे रब्ता किया गया, और मैं
गया फिनलैंड ख़ास तौर पे ख्वाहिश पे, और वहाँ से मैं कंपनीज लाया और उन कंपनीज ने पेशावर में 1 मिलियन सुनामी के साथ काम किया, और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ वर्ल्ड बैंक WWF के साथ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लोग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी के साथ हम कर रहे हैं। और अब हम एक डेलीगेशन जाने लगा है जो फिनलैंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और क्लाइमेट चेंज के लोगों से वहाँ मिलेगा, और वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाकर इंप्लीमेंट करेंगे हम इंशाल्लाह। दिस इज़ अ वंडरफुल, दिस इज़ वेरी गुड जी। यस, अच्छा फिनलैंड बिजनेस काउंसिल के बारे में बताइए कि ये काउंसिल कैसे काम कर रहा है। एक हमारा जो आपस पे इंटरेक्शन फिनलैंड के साथ जो काउंसिल हमने बनाई थी, जो हम यहाँ सेमिनार्स करते थे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको बताते थे। फिनलैंड से कंपनियाँ आती थी जो पाकिस्तान चैम्बर्स के साथ, इस्लामाबाद चैम्बर के साथ हमने किया, फैसलाबाद चैम्बर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई लास्ट जब हमने किया था, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, और इस कोविड की वजह से 2 साल थोड़ा सा हम लोग यू नो विजिट्स वगैरह हमारे ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा है, हम भी नहीं जा सक रहे हैं, लॉकडाउन हैं। तो वो जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो ये जो बिज़नेस काउंसिल्स है ये दोबारा एक्टिवेट होगी। तालीम के शोबों में दोनों ममालिक किस तरह से एक दूसरे से तआवुन कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, बिकॉज पाकिस्तानियों का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होता है फिनलैंड, तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसीज़ हैं जिन पर काम किया जा रहा है? जी जी, आपको यूल बी यू नो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हर रोज़ हमारे पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स होती हैं, लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स के जाने के लिए, क्योंकि हमारा एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारी इंटरेक्शन हुआ था, तो स्टूडेंट्स का बहुत इंटरेस्ट है हमारा, जो हम चाहते हैं कि जाए वहाँ पर अब, और जितना हमारा वहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे फैसिलिटेट और मुफीद हो उनसे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्तों में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिनलैंड की हायर मिनिस्ट्री से यहाँ पर कोई डेलीगेशंस आए हुकूमती सतह पर? जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि आफ्टर वेरी लॉन्ग गैप हमारी डिप्टी मिनिस्टर आई थी यहाँ पर, और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है, और हमने भी फिर यहाँ से इन्विटेशंस दी हुई, और फ्यूचर में हमें 3 सेक्टर्स में, जैसे मैंने कहा कि फॉरेस्ट से तो जा रहा है डिपार्टमेंट से पूरा डेलीगेशन क्लाइमेट चेंज का, और हेल्थ में हमने उनको इनवाइट करना है, एजुकेशन में इनवाइट करना है, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी भी एक इनविटेशन आई हुई है जो हमने वी आर वेटिंग कि इंशाल्लाह जैसे ही एक्सेप्ट होता है इनविटेशन तो फॉरेन मिनिस्टर साहब का डेलीगेशन जाएगा फिनलैंड और वहाँ एक्सप्लोर करेगा कि हमारे ताल्लुकात और मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, फॉर्मल सवालात का सिलसिला मेरा ख़त्म हो चुका है, अब हम अपने उस हिस्से की जानब बढ़े हैं जहाँ पर अब मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, आपकी लाइक्स, आपकी चॉइसेस, उसके बारे में जानना चाहूँगी और लोग भी जानना चाहेंगे, तो आप भी रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यू हैव सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट्स एन ऑनर जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑनररी काउंसलर्स आप तो बिजी रहते होंगे अपने कामों में यकीनन, आप मुझे बताएं आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, कैसे दिन गुजारती हैं अपना? इफ पॉसिबल मैं उनसे भी ज्यादा बिजी रहती हूं, बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट, मैं पॉलीक्लिनिक में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूं, और अपना प्राइवेट क्लिनिक है मेरा सुपरमार्केट में डेस्टिनेशन स्किन। वंडरफुल। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों के साथ रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी से। ओके, हेलसिंकी या इस्लामाबाद? फॉर बोथ ऑफ यू, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओह डेफिनेटली। नो। ओके, क्रिकेट या हॉकी?
Cricket? Is that a question? Cricket. Oh, wonderful. Okay. Reading or cooking? None of those. Reading, I'd say. You have big to reading. Choose reading. Okay, then it's good. Mountains or rivers? Rivers. जी रिवर्स पानी का बहुत शौक वैसे काफी सिमिलर है आप लोगों की चॉइस हाँ ये अभी रैपिड फायर में पता चला है पहले नहीं पता है बड़े बड़े इंकशाफात हो जाते हैं इस राउंड में मैंने देखा है वैसे अच्छा जी म्यूजिक और लॉन्ग ड्राइव म्यूजिक जी म्यूजिक एंड दैट्स इट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आप लोगों को जानकर और मुझे खुशी की बात ये होती है कि व्हेन आई ऑलवेज इंटरव्यू सम हायर अथॉरिटीज उनकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर हैविंग टाइम फॉर अस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर थैंक यू सो मच सो दैट वाज इट बाय नाउ फ्लैग्स में अब तक के लिए इतना ही और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर किसी नए एम्बेसडर के साथ मिलेंगे और रहेगी आपसे मुलाकात तब तक रखिए अपना ख्याल मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़